का जाम है, राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियनों का 26 नवंबर 2020 को हड़ताल है। चूंकि मोदी सरकार द्वारा देश के किसानों का खेत खेती को नीलाम करने का और किसान को गुलाम करने का योजना है और मजदूरों के गुलामी के चार लेबर कोड कानून को ला करके मजदूरों के संपूर्ण अधिकार को समाप्त करने का योजना है, 2020 बिजली अध्यादेश ला करके इसको निजी कंपनी के हाथ देना चाह रहा है और नई शिक्षा नीति ला करके किसान मजदूरों के बाल बच्चे को पढ़ने से वंचित करने का मोदी सरकार का योजना है और मुद्दा है जो संविदा कर्मी का जितना एस्टीम वर्कर है तमाम वर्करों को हमारा मांग है जो कम से कम न्यूनतम मजदूरी उसका लागू होना चाहिए, जो सातवां वेतनमान है 18,000 तमाम ठेका मंदे पर कार्यरत कर्मियों को जब तक ये आपको 18,000 मासिक वेतन नहीं देता है और नियोजितों को नियुक्ति के तरह बहाल नहीं करता है तो ये कुल मिला करके तमाम सेक्टर को ये कंपनी में बदलना चाह रहा है, निजीकरण करना चाह रहा है। हम निजीकरण के खिलाफ में, कंपनी राज के खिलाफ में, ये पूरे देश के 11 ट्रेड यूनियन जो हड़ताल किया है इसके समर्थन में वाम दल के अलावा भी महागठबंधन के लोग भी शामिल हुआ है। आज का ये बंदी ऐतिहासिक बंदी है और इस बंदी से हम चाहेंगे कि मोदी सरकार और अमित शाह होश में आवे और किसान मजदूरों को गुलाम करने का जो योजना है इसको वापस ले, कृषि अध्यादेश को वापस ले, मजदूरों का चार लेबर कोड को वापस ले, नई शिक्षा नीति को वापस ले, बिजली अध्यादेश को वापस ले। इन्हीं सवाल को लेकर के आज वाम दलों का और देश के 11 ट्रेड यूनियन का आम हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल के केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के दिन से केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है उनके गलत आर्थिक नीति के कारण देश में बढ़ती कमरपुर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मजदूरों के श्रम कानून में बदलाव, किसानों को खेती हड़पने की साजिश, ये देश के तमाम रेल सरकारी संपदा को ये गिरवी नहीं बल्कि उसको बेचने की साजिश, देश को पुनः गुलाम की ओर धकेलने की साजिश, हम मजदूर किसान मजदूरों के अनहित में जो नए नए कानून ला कर शिक्षा नीति को ये समाप्त करने की जो साजिश है, किसानों को जमीन हड़पने की साजिश है, ऐसे जनविरोधी नीतियों के खिलाफ देश के 11 श्रमिक विभाग के द्वारा ट्रेड यूनियन के आह्वान पर ये भारत बंद। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।